आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी मंत्र की बीमारी, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। होता क्या है कि ये जो लोग हैं जिनको ये समस्या है, इनको दिमाग में बार 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 एक ही विचार आते रहते, और वो इतने बार बार विचार आएंगे वो कि वो विचार आने के बाद में उनको बाकी काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक विचार उन्होंने पकड़ लिया, उनको बार बार विचार आए। देखो नॉर्मल व्यक्ति को भी कुछ हद तक ऐसे बार बार के विचार आते रहते, मगर वो विचार एक 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड एक मिनट के बाद में वो विचार हम भूल जाते हैं, और वो विचार हम भूल के हम और जो कोई विचार हमारे पास में आता है, सामने आता है, या कोई काम आता है, वो काम के ऊपर हम कृति करना चालू कर देते। ये लोगों को होता क्या है, उस लोगों को कि एक बार विचार वो दिमाग में उनके आ गया कि वो वही विचार उनको कुछ मिनट तक, मतलब 10-15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, वो बार बार विचार आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर समझो, एखादे व्यक्ति के मन में आता है विचार कि भाई मैंने बहुत पाप किया है और मैंने भगवान को नमस्ते करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, तो बार बार वही विचार है। या उसको लगेगा कि मैं गंदा हूं, मेरे हाथ गंदे हैं और मैंने हाथ धोना चाहिए, फिर उसको वही विचार आएंगे। उसको लगेगा कि मैंने कुछ तो भी पाप किया होगा, तो उसको वही विचार आएंगे। उसको लगेगा कि भाई मेरा घर जो है ना वो बराबर नहीं गंदा है, मैंने साफ करना चाहिए, तो वही विचार आएंगे। उनको कोई घर वालों के बारे में कि भाई नहीं, मेरा प्यारा व्यक्ति जो है घर का, मेरा बेटा, मेरी माँ या मेरी पत्नी या पति है ना, वो मर जाएगा, ऐसे विचार आते। तो वो विचार जब आते रहते हैं तो इतने वो विचार उनको सताएंगे कि फिर उनको बाकी कुछ काम वो कर ही सकते नहीं। अब यहां तक तो ठीक है, समझो विचार आ रहे बार 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 बार, और वो विचार आ रहे उनको सुधार। अब कुछ व्यक्ति जो है उनको वो विचार तो आती ही है, और विचारों के ऊपर उनको और एक विचार आता है कि अभी मैंने कुछ तो भी कृति करना चाहिए, और मैं कुछ कृति करूंगा तो जो मैं सोच रहा हूं वैसा होऊंगा नहीं। इसका मतलब यह है कि समझो मेरे मन में विचार आ रहा है कि मेरा बच्चा मर जाए, ये बार बार विचार आ रहा है। अभी मेरे को मालूम है कि ये विचार है, ये फालतू का विचार है, ये विचार में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा होने वाला है नहीं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मगर विचार आ रहा है कि मेरा बच्चा मर जाए। और वो इतना सताता है, फिर मुझे दूसरा विचार आएगा कि भगवान को मैं नमस्कार करता हूं या भगवान का आशीर्वाद लेता हूं तो मेरा बच्चा मरेगा नहीं, फिर मैं जाके भगवान को प्रार्थना करता हूं, नमस्ते करता हूं, क्योंकि वो विचार मतलब ऐसा होगा नहीं। फिर मैं एक बार नमस्ते करके आया कि मेरा विचार निकल जाए, फिर थोड़ी बार में फिर विचार आया, फिर मैं जाके नमस्ते करना पड़ेगा भगवान, नमस्कार करना पड़ेगा, और फिर वो विचार आएंगे। फिर मुझे विचार आएंगे कि मैं 3 बार ऐसा करूं, भगवान को प्रार्थना करूं 3 बार तो ऐसा होगा, फिर मैं 3 बार नमस्ते करूं, फिर विचार आएगा कि 3 बार ऐसे 3 बार करना, मतलब 9 बार, तो विचार आएंगे, मतलब फिर वो विचार वैसे ही चालू रहेगा, उसके ऊपर वृद्धि करना चाहिए। ऐसा लोग मुझे विचार आ गया कि मेरे हाथ ना गंदे है, गंदे हाथ, ऐसे विचार आ गया, चलो फिर धो लो, फिर मैं धो लूंगा, धोने के बाद में फिर विचार आएगा कि नहीं नहीं हाथ तो गंदी है, बराबर हुए नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद में मैं जाऊंगा हाथ धूंगा, फिर थोड़ा शांत लगेगा, फिर थोड़ी देर नहीं मेरे हाथ गंदे, फिर जाऊंगा फिर हाथ धूंगा, फिर ऐसा इतने बार हो जाएगा कि फिर बार 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 जाकर मैं हाथ धूंगा। कोई लोगों को लगता है कि नहीं मेरे कपड़े जो है ना वो गंदे हो गए, कपड़े धोना पड़ेगा, फिर वो बार बार कपड़े धोएंगे, फिर नहीं मैं है ना अशुद्ध हो गया हूं तो मुझे नहाना पड़ेगा, और एक बार नहा के मेरी संतुष्टि होती नहीं, फिर मैं 2 बार 3 बार 4 बार, तो ऐसे लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटे बाथरूम में बैठे रहते और नहाते रहते। फिर कुछ लोग बोलते हैं मैंने पाप किया है, या मुझे कुछ तो भी, मेरा कुछ तो भी खराब हो जाएगा, कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो मैंने भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, मैंने पूजा, तो फिर मैं पूजा करने बैठूंगा, और पूजा फिर 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूजा नहीं करूंगा तो फिर वैसा हो जाएगा, जो विचार आ रहे गलती गलत है ना वो हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो लोगों को अक्सर बार बार हाथ धोना, बार बार नहा लेना, बार बार घर साफ करना, भगवान की पूजा करना, या उनको लगता है कि नहीं अपन लैट्रिन को गए तो लैट्रिन बराबर हुई नहीं, अब विचार आता है कि लैट्रिन हुई नहीं, फिर जाओ लैट्रिन,
तो बैठे रहते, क्योंकि बाहर आ गए तो फिर विचार आएगा कि लैटिन हुई नहीं है, तो फिर वहीं बैठे रहेंगे एक एक घंटा दो दो घंटा लैटिन में बैठे रहेंगे, ताकि वो लैटिन पूरी एक बार समाधान हो गया कि लैटिन हो गई, फिर वो बाहर आएंगे। मतलब उनको पूरे दिन भर में वो कोई काम नहीं कर सकते, नहाना धोना, कपड़े धोना, घर सफाई करना, भगवान की पूजा करना, लैटरिन जाना, बस इतने में ही उनका पूरा दिन निकल जाता, उनके हाथ सफेद हो जाएंगे, उनका शरीर, उनका पूरा बदन सफेद हो जाएगा बार बार बार, क्योंकि साबुन घसते रहेंगे। घर इतना, ये लोगों का घर इतना साफ सुथरा रहेगा और घर की चीजें जहां की वहां रहेंगी, मतलब पेन वहां रहेगा मतलब वहीं रहेगा, आईना वहां के वहीं रहेगा, मोबाइल वहीं रहेगा, मतलब उनका घर ऐसे, ये लोग बहुत परफेक्शनिस्टिक होते हैं और उनको सब चीजें परफेक्ट चाहिए, तो घर बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखेगा। ये लोगों को प्रॉब्लम होता है खुद को, और फिर ये लोग घर के बाकी लोगों को भी तकलीफ देंगे। वो कैसी कि जो बीमार है वो तो बोलेगा मैं हाथ धो लूंगा, पैर धो लूंगा या नहाऊंगा। घर का व्यक्ति कोई बाहर से आकर देने तो गंदा है, फिर उनको हाथ पैर धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, फिर उनको भी जबरदस्ती नहाने लगाएंगे, हाथ धोने लगाएंगे, कपड़े धोने लगाएंगे, तो घर वालों को सबको तकलीफ होती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका साफ सफाई में ही पूरा दिन निकल जाता है, और बाकी लोगों को भी ये बोलेंगे साफ सफाई में। देखो हमको कुछ लोगों को तो मतलब थोड़ी मात्रा में तो सबको रहता ही है, जैसा हम क्या करते हैं नॉर्मल आदमी, जैसा लॉक चेक करना, ताला चेक करना, तो हम एक बार लगाएंगे फिर एक दो बार और चेक कर लेंगे, यहां तक तो ठीक है, हाथ धो लिया, एक आधी बार लगता है कि नहीं और एक बार धो लो, तो ठीक है और एक बार धो लिया, मतलब दो बार धो लिया तो अपना समाधान हो जाएगा, या पैर धोना है तो फिर पैर धो, मतलब नॉर्मल मात्रा में। जैसे चलते हैं तो ये लोग जो स्टेयर केस है, मतलब पायरी जो है वो गिनेंगे और ऊपर जाते जाते वो गिनते गिनते जाएंगे, फिर टाइल्स जो है तो टाइल्स का जहां ज्वाइंट है तो उसके ऊपर पैर रखने का नहीं, उसको क्रॉस करके रखना, मतलब ऐसे उनके दिमाग में मैजिकल थिंकिंग आते रहे। तो ये सब आगे इतनी बीमारी बढ़ने के पहले ही यदि घर के लोग उनको लाते इलाज करने के लिए तो इसमें 100% रिकवरी होती। तो आज जो हमारे देश में जो ऐसे लोग पीड़ित है ये बीमारी से, वो सब अच्छे होकर उनका जीवन अच्छा जी सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।